नेम इज शिवांग बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, कल है मंथली एक्सपायरी एंड बहुत ज्यादा एक्साइटिंग डे है कल। और मार्केट पे जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट मार्केट एक बुल रन में है तो रिकवरी आएगी। पुट राइटर्स जितने भी हैं वो थोड़ी कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर लेकर जाने में, बट एंड ऑफ द डे जब मार्केट एग्जैक्टली क्लोज होने वाली थी तो टेक्निकल एनालिसिस बता रहा था कि शायद मार्केट रिकवर हो सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन पे और मार्केट ऊपर जा सकती है। बट जब हम लोगों ने फर्दर एनालिसिस और फर्दर स्टडी करी तो हमें पता चला कि ओपन इंटरेस्ट के डाटा के थ्रू मार्केट पे पुट राइटर्स ने अपनी एग्जिट ले ली है एंड कॉल राइटर्स सबसे ज़्यादा हैवी है। सो कल देखने वाली चीज़ होगी मार्केट पे किस तरीके से होगा। तो डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ रहूँगा पूरा टेलीग्राम पे मार्केट के टाइम पे एंड आप लोगों को अपडेट्स देते रहूँगा कौन से शेयर में ट्रेड करना है, क्या मार्केट निफ्टी में आप ट्रेड ले सकते हो एंड कुछ ऑप्शन ट्रेड्स कल के एक्सपायरी के लिए फाइंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो अभी तक आप लोगों ने अभी टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप हमें ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। सो आज हम लोग स्टॉक्स की बात करने वाले हैं, आज कुछ अलग करेंगे स्टॉक्स पे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एवरीडे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बताता हूं, तो आज एक या दो स्टॉक्स मैंने ऐसे लेके रखे हैं जिसपे 15 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर इस छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक बार हमें सिखा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए गाइस एंड इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एवरीडे मार्केट के अंदर मैं दो ऐसे स्टॉक्स देता हूं जहां पर जब भी मैं वो प्रोवाइड करवाता हूं वो स्टॉक वहां से 2-3% बढ़ जाते हैं। आज भी वही स्टॉक्स प्रोवाइड करवाए, कल भी आप लोगों को और ट्रेड्स मिलने वाले हैं। सो प्लीज डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ गए हैं। सबसे पहला स्टॉक है HDFC लाइफ। तो मेरे पास बहुत बार टेलीग्राम पे और कमेंट सेक्शन पे भी आ रहा है कि सर स्टॉक हमें दिखता नहीं है बिकॉज आपकी यहाँ पर वीडियो चल रही होती है एंड टाइम फ्रेम नहीं दिखता। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने स्टॉक का नाम ऑलरेडी पुट करा हुआ है, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ। अभी टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम, तो एक बार अगर आप लोग वीडियो सुनोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा टाइम फ्रेम है। ठीक है, सो सबसे पहले एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉप है, हमने अपने सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा, इसके अलावा हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं है तो हम लोग एक बेस क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक बेस क्रिएट कर रखा हुआ है। एग्जैक्टली इस बेस से हम लोग देखते हैं एक बाइंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं शार्प रैली हम लोगों को बेस से देखने को मिल रही है फ्रॉम 660 टू ऑलमोस्ट 760। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रैली हम लोगों को देखने को मिली, उसके बाद एक पॉज लिया है एंड अब यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है। अब इसी लेवल से रिवर्सल क्यों आ रहा है, ये लेवल स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो मैं आप लोगों को एक बार बना के दिखा देता हूँ कि आप गूगले और ज़्यादा ईजी हो जाए। सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये पर्टिकुलर जो जोन है जिसे हम सप्लाई जोन कहते हैं ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। इसी रेजिस्टेंस का इसने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इट गेव अ रीटेस्ट टुडे एंड अच्छे से ऊपर जा रहा है। अब आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप थोड़ा सा वॉच करेंगे, पहली कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 दिन का जो भी इसकी क्लोजिंग प्राइस था उस 5 ट्रेडिंग सेशन के ऊपर जाके इसने आज के ट्रेडिंग सेशन पे अपनी क्लोजिंग करी है। आई थिंक एक बाइंग जनरेट हो सकता है कल ही, इंट्राडे के लिए मैं टारगेट्स बता रहा हूँ, कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या कोई ऐसे टारगेट्स नहीं है। इंट्राडे में अभी करंट प्राइस चल रहा है 734 रुपीज़। ईजिली मार्केट ओपन होगी तो थोड़े टाइम पे ही हम लोगों को 20-25 मिनट के अंदर अंदर ये 10-20 रुपये आराम से दे सकता है, तो उसको ज़रूर वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करिएगा। एक बार 30 मिनट्स का अगर मैं टाइम फ्रेम आपको यूज़ करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बेस बना है एंड बेस बनने के बाद ये वाली रेड कलर की लाइन आप देख रहे होंगे। इस रेड कलर की लाइन पर सबसे पहले ये एक सपोर्ट है, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ आप देख रहे हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट, ब्रेकआउट देने के बाद अब कंटिन्यू कर रहा है, तो हो सकता है कि कल ये शायद ट्रेडिंग सेशन पे 730 के आसपास भी आए और वहां से एक रिवर्सल आए। तो अपना 30 मिनट्स या 5-15 मिनट का टाइम फ्रेम जरूर ओपन करके रखना, कोई भी आपको इस सपोर्ट लेवल से एक रिवर्सल दिखता है आप एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अब बात आती है टारगेट्स की, तो ये टॉप है, ये बॉटम है, हमारे लिए जो मिनिमम टारगेट होगा जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम टारगेट भी अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ सो दैट शुड बी अराउंड दिस लेवल जो कि 750 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। 750 हमारा पहला टारगेट है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा सेकंड टारगेट होगा दैट शुड बी आर प्रीवियस स्विंग हाई, ठीक है, जो कि ये टारगेट होगा जो कि 760 रुपीज़ का होगा। तो गाइज ये था हमारा सबसे पहला स्टॉक, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। हमारा दूसरा स्टॉक है L&T फाइनेंस हाउसिंग।
एनईटी फाइनेंस होल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ है, क्योंकि ये स्टॉक मैं आपको पहले भी वीडियोस पे रिकमेंड कर चुका हूँ। सो हम लोगों ने एक्जैक्टली एक टॉप को कनेक्ट करा हुआ है। इस टॉप का आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट देखने को मिला। इसके अलावा एक ग्रीन कलर की आप लाइन देख रहे होंगे जो पहले सपोर्ट का काम करता था एंड उसका एक ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद ऊपर गेट गिव अ वेरी गुड रीटेस्ट, अब दोबारा ऊपर जा रहा है। आप दूसरी चीज और देख सकते हैं, एक ब्लू लाइन मैंने बना रखी है जहां पर एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ है एंड यहां से स्टॉक ऊपर गया है। अब नोट करने वाली चीज है, स्टॉक एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस होल्डिंग है एंड डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन करा हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हैं फॉल के बाद इसने भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है एंड इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अब यहां पर तो टारगेट्स हैं वो तो अच्छे खास हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, शार्प इंपल्स मूव आई। शार्प इंपल्स मूव आने के बाद एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया, ये ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट आया, लेट मी शो यू, ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट आया 50% का एंड यहीं से ये स्टॉक अब ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं इसके टारगेट्स की बात करता हूँ हायर हाइज एंड हायर लूज के अकॉर्डिंग, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इसका सबसे पहला टारगेट होगा दैट शुड बी 90.85, सेकेंड टारगेट शुड बी 92.5 एंड थर्ड टारगेट शुड बी 94। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो आई थिंक ये सबसे पहला रेजिस्टेंस है जो कि 95 रुपीज़ का एक हर्डल दे रहा है एंड हमारा जो दूसरा है दैट शुड बी अराउंड दिस लेवल जो कि 92.30 है। करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 89.90 रुपीज़ का, नोट करिएगा, एंड हमें बाय करना है अबव 90.25 के ऊपर। अबव 90.25 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है गाइस, यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड अच्छे लेवल्स आपको दिखा सकता है। सबसे पहला 92 है एंड सेकेंड टारगेट इज 95-96 रुपीज का। अब एक बार 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं क्योंकि इस पे एक और पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, तो मैं इन सारी लाइंस को अभी के लिए हटा देता हूँ। एंड यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहली लाइन एक ही ड्रॉ करी है एंड हमारी जो दूसरी लाइन है दैट शुड बी दिस। तो आप देख सकते हैं सिंपल एक राइजिंग ट्रायंगल पैटर्न का इसने एक ब्रेकआउट दिया है। एक राइजिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद ये आप देख सकते हैं छोटी सा रेंज था, जिस रेंज के आसपास ही ये स्टॉक काम कर रहा था। आप देख पा रहे हैं एग्जैक्टली इस रेंज पर रीटेस्ट करा, ब्रेकआउट देते समय गिव अ वेरी गुड रीटेस्ट, एक हैमर कैंडल बनाया और एक बुलिश कैंडल बनाई। सो हम लोग इस लेवल के ऊपर 90.25 के ऊपर बाय कर सकते हैं एंड हम लोगों को कल इंटरडे में अच्छे टारगेट्स देखने को इस स्टॉक में मिल सकते हैं। स्टॉक का नाम है एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस होल्डिंग। गाइस अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। थर्ड स्टॉक इंटरडे के लिए नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस ये हमारा थर्ड स्टॉक IDFC फर्स्ट बैंक, ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है और इंट्राडे के लिए नहीं है। सो क्लियरली आप यहाँ पर मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ बिकॉज यहाँ पर एक पैटर्न डेवलप हुआ है। सबसे पहले ये बॉटम है एंड दिस शुड बी आर टॉप, तो यहाँ पर एक पैटर्न बना जिसे हम लोग कहते हैं बुलिश गाटले पैटर्न। बुलिश गाटले पैटर्न आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं, दिस इज आर बॉटम, ये मैं पैटर्न आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। सीरियस ये एक पैटर्न बना है, इस पैटर्न पे जब भी आता है 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे तो यहाँ पर एक बाइंग जनरेट होती है। अब हम लोग एक्चुअल में जो बाइंग करते हैं वो बाय करते हैं इसके ऊपर वाला रेशियो का अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक नीचे आया एंड दोबारा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिल चुका है इसको, तो यहाँ पर एक अच्छा लेवल है इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के लिए। अब इस पैटर्न को अभी के लिए हटा देते हैं और एक बार आप लोगों को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम गाइस इसका ओपन करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक पैटर्न और बना हुआ है, आप देखिएगा, मैं लेट मी शो यू, ये हमारा टॉप है। ठीक है, एंड ये हमारा एक बॉटम था। सो ऑलमोस्ट जो डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है दैट शुड बी 51.50 से लेके बॉटम था 47 का, तो ऑलमोस्ट 4.50 रुपये का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर उसके बाद स्टॉक ने एक पुल बैक दिया और दोबारा नीचे आया, जब दोबारा पुल बैक देके स्टॉक नीचे आता है तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये फॉल आया था और जो ये फॉल आया है एग्जैक्टली सेम है, 4.50 रुपये का। सो इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं गाइस AB इक्वल्स टू CD पैटर्न, मतलब जो AB लाइन होती है और जो CD लाइन होती है बिल्कुल इक्वल होती है और वो एक पॉसिबल रिवर्सल होता है क्योंकि उसके बाद जो कैंडल बनती है वो एक बहुत ज़्यादा ही बुलिश कैंडल बनती है। तो आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस 3 फॉल के बाद इस पूरी बिग कैंडल का जो बियरिश कैंडल थी उसके मिड के ऊपर जाके इसने अपनी क्लोजिंग करी है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। इसके अलावा एक बार 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि एक पैटर्न और बना है। सो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टॉप्स को कनेक्ट करे एंड इसके अलावा हम लोगों ने बॉटम को कनेक्ट करा, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक शार्प इंपल्स मूव आने के बाद एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा एंड इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट देने के बाद देखिए यहाँ पर एक हर्डल शॉर्ट टर्म पे देखने को मिल रहा है, मतलब इंट्राडे पे कल अगर ये जाता है तो एक हर्डल कर सकता है जो कि 49.55 पैसा के आसपास है।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। लेट से अराउंड 1 to 2 months के आसपास बाय कर सकते हैं। एंड इसके जो टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट मी शो यू, जो हम टारगेट्स इसके एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाइज, वो आराम आप समझ सकते हैं, दैट शुड बी अराउंड दिस लेवल, जो कि 58 रुपीज़ का, यानी कि यहाँ से 10 रुपये ऊपर है। इसके अलावा अगर मैं टॉप्स को कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका भी एक ब्रेकआउट आ सकता है प्रॉबेबली, और जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा, जो मैंने आपको अभी बताया, जो एक कल इंट्राडे या बीटीएसटी के लिए एक हर्डल बन सकता है, इसका ब्रेकआउट आता है तो क्लियरली हम लोग इस लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट शुड बी अराउंड दिस लेवल, जो कि 57-58 रुपीज़ का लेवल है। तो परसेंटेज वाइज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ऑलमोस्ट 18 से 20% का रिटर्न ये 1 महीने के अंदर दे सकता है। स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा। स्टॉप लॉस प्रोबेबली हम लोग अगर रखना भी चाहें तो स्टॉप लॉस हमारा होगा अराउंड अराउंड 6% का, तो ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कल एक्सपायरी है, मतलब एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है, ओपन इंटरेस्ट कैसे बदला है, और एफआईआर का डाटा अगर रिलीज हो गया होगा सेंसेबल के अंदर तो उसको भी चेक करते हैं। निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है गाइस, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी पता था कि हमने आपको बताया था कि एग्जैक्टली इस लेवल पे है, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है और इस लेवल के ऊपर यानी कि 17,800 के ऊपर जाता है तो एक बाइंग आ सकती है, बट ऊपर मल्टीपल हर्डल्स हैं जो हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे देखा था। हमने बोला था अगर नीचे आए, मतलब अगर इसी लेवल पे खुलता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, हमारा टारगेट होगा प्रीवियस लो। एग्जैक्टली वहां पर आया, इसी जोन को रीटेस्ट करा और स्टॉक दोबारा ऊपर गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमें एक चीज तो पता चल गई है कि ये जो अपर वाला रेंज है जो कि आ रहा है अराउंड अराउंड 17,800 एंड जो बॉटम है 17,580 का, तो यानी कि जो ये पॉइंट है ना 17,580 से लेके 800 रुपीज की रेंज, इस पे मार्केट अभी काम कर रही है। अब अगर मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक डबल टॉप क्रिएट हुआ है एंड यहां पर एक बेस क्रिएट हुआ है। तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर, इंडेक्स इसके ऊपर नहीं जाता तो हम ये टारगेट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज इसके नीचे नहीं जाता तो हम लोग अपने लोअर लेवल्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली कि कल मार्केट इसी रेंज के अंदर काम कर सकती है बिकॉज ये रेंज भी ज्यादा बड़ी है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि अगर एग्जैक्टली इस लेवल पे है जो कि 17,700 के पास क्लोजिंग है तो 100 रुपये ऊपर जाके एक बाइंग जनरेट होगा और 100 रुपये नीचे जाके एक सेल जनरेट होगा। सो कल हमें मार्केट को एक बार चेक करना है कि मार्केट ओपनिंग कहाँ करता है। देखिए अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो स्ट्रैटेजी मैंने बता रखी है, 3 1 मिनट की कैंडल ओपन करना, 3 कैंडल देखना, 3 कैंडल अगर आप लोगों को लग रही है कि बुलिश बन रही है, 3 में से 2 कैंडल भी और मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर रही है तो आप लोग एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं बिकॉज मार्केट बुल रन में है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। दूसरी बात आती है कि पूरे महीने में मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गई है, एक छोटी सी डिप आती है और अगले दिन मार्केट नया हाई क्रिएट कर देती है। तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों ने भी पोजीशंस रखी होंगी वो शायद कल और आज स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो कल हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग भी हमें देखने को मिल जाए, फिर मार्केट शायद अक्टूबर जब सीरीज पे लोग एंटर करेंगे ना कल के दिन ही, तो एक रिकवरी आना स्टार्ट हो जाए। सो आपको करना क्या है गाइस, कल आप लोगों को शुरुआत के टाइम पे वॉच करना है, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलो 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक हमें वॉच करना है मार्केट को, कोई भी ट्रेड नहीं लेना। बट अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ एक सूटेबल ट्रेड मुझे मिल रहा है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैं सलाह दूंगा 17,800 के ऊपर बाय है एंड 17,580 के नीचे हमें शॉर्ट करने को मिलेगा। इस रेंज के अंदर अगर आपको बॉटम पे मिलता है, अगर एक रिवर्सल दिखता है तो बाय कर सकते हैं, दैट शुड बी आर टारगेट। अगर यहाँ पर आके एक रिवर्सल आता है तो ये हम अपना टारगेट मान के चल सकते हैं। अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट पे क्लेरिफाई करेंगे और कंफर्मेशन ले लेंगे कि मार्केट की ट्रेंड किधर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी ओपन हो गया आप लोगों के सामने एंड हम लोगों ने 2 ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी हुई है। 2 ट्रेंड लाइंस आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये टॉप से कनेक्टेड है एंड ये बॉटम से कनेक्टेड है। एग्जैक्टली आज के ट्रेडिंग सेशन पे हुआ क्या, ये एक जोन है जहां पर एक स्नेक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद इट गिव अ रीटेस्ट, दोबारा ऊपर गया, प्रीवियस हाई को क्रिएट क्रॉस करा एंड दोबारा नीचे आया और बेस पे आ चुका है। अब देख रहे हैं अगर ये वाला बेस ब्रेक होता जो कि 37,680 रुपीज का लेवल है, लेवल्स को नोट करते रहेगा गाइस, 37,680 के नीचे अगर ये जाना स्टार्ट करता है तो आप क्लियर एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। मैं जो सबसे पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट शुड बी अराउंड 37,600 to 37,540 रुपीज का लेवल, जो कि क्लियरली आपको दे सकता है अगर ये लेवल ब्रेक होता है। दूसरी बात अगर ये अपर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो दिस शुड बी आर टारगेट 38,000 एंड दिस एंड दैट, तो मेरे हिसाब से ऊपर के चांसेस अभी कम लग रहे हैं। या अगर ये मैं मार्केट का स्ट्रक्चर जानूं तो यहाँ पर लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग अगर हो जाए एक बार और 3 मिनट की कैंडल में से 2 कैंडल अगर बुलिश बन जाए तो 38,200-38,300 भी मार्केट जा सकती है। अदरवाइज अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम लोग नीचे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं,
बट वहां पर हम लोगों को अर्ली एग्जिट करना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मार्केट बुल रन में, अब मार्केट दो तीन दिन से साइडवेज हो चुकी है, नीचे आई जा रही है, तो मार्केट एक बुलिश कैंडल बना सकती है जो कि सारे हाइस को दोबारा ब्रेक कर सकती है। तो इस पॉइंट को गाइस याद रखिएगा कि मार्केट बुल रन में है बट ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी शॉर्ट साइड दिखा रहा है, तो आप लोगों को बीच में फंसना नहीं है। तो जब तक एक परफेक्ट ट्रेड ना मिले तब तक कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा। एक बार ओपन इंटरेस्ट पे हम लोग डाटा को कंफर्म कर लेते हैं एंड उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट हम लोगों ने डाटा ओपन कर लिया है एंड क्लियरली सबसे पहले कॉल चेंज की बात करते हैं। तो हाईएस्ट कॉल चेंज है 18,000 पे एंड सेकंड हाईएस्ट है 17,800 पे। अब देखिए अगर कल मार्केट ओपन होती है ना और अगर बाय चांस गैप डाउन हल्का सा भी ओपन हो जाती है तो ये जो 18,000 का जो हम लोगों ने कॉल चेंज देख रखा है ये बिल्कुल नेगेटिव जीरो के आसपास आ जाएगा एंड यहाँ से पोजीशन स्क्वायर ऑफ होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जो भी पोजीशंस बनना स्टार्ट हो जाएंगी वो एट द मनी लेवल पे या बिल्कुल आसपास बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी कॉल राइटर्स हैं बहुत कोशिश करेंगे कि ऐसा हो और तब मार्केट नीचे जा सकती है। अदरवाइज अगर मैं पुट राइटिंग की बात करूं तो 17,600 जो कि मैंने आपको बोला कि वो एक बेस है 17,600 टू 580 उसके नीचे ही शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये बेस टूट जाता है तो फिर और यहाँ पर जितने भी पुट राइटर्स हैं अब उन लोगों को लॉसेज होना स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज मार्केट एक्सपायर होने का टाइम होने वाला होगा एंड उसकी वजह से यहाँ पर पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी और शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट और नीचे जा सकती है, सॉरी लॉन्ग कवरिंग के चक्कर में मार्केट, लॉन्ग अनवाइंडिंग के चक्कर में मार्केट नीचे जा सकती है। अब आप देख सकते हैं जो नीचे है बिल्कुल एट द मनी के आसपास कंसेक्यूटिवली आप देख रहे हैं कि पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। 17,750 के बारे करा, 800 पे करा, एवरी 50 रुपीज़ पे ये लोग एग्जिट कर रहे हैं एवरी स्ट्राइक प्राइस पे। तो यहाँ पर हमें बिट कॉशियस रहना है बिकॉज एट द मनी पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है इन टर्म्स ऑफ पुट राइटिंग। पुट राइटिंग कम है और कॉल राइटर्स ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर कॉल और पुट चेंज देखूँ तो पुट चेंज अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कॉल चेंज कम। तो एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला गैप अप खुलता है मार्केट बुल रन पे तो एक नया हाई क्रिएट कर सकती है। ठीक है, बिकॉज दो तीन दिन से अब ये साइडवेज हो चुकी है तो अब नया हाई क्रिएट करने का टाइम आ गया है। आज नहीं आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को कर सकती है। बट अगर गैप डाउन खुलता है और मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर दे तो फिर वहां पर कॉल चेंज आने आएंगे। तो आज तो मार्केट हाई नहीं क्रिएट पर कर पाएगी और आप ऊपर की जो भी कॉल्स हैं उनको शॉर्ट करके रख सकते हो। एक बार अगर मैं बैंक निफ्टी को चेक करूं तो बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है, यस तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा पुट राइटर्स ये हैवी पुट राइटर है 17,500 पे एंड 17,600-700 सो कॉन्जिक्यूटिवली एवरी स्ट्राइक प्राइस पे है। हाईएस्ट कॉल राइटर है 38,000 पे, जो मैंने आपको बोला लेट मी शो यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट देता है तो 38,000 रुपीज़ का ही हमारा हर्डल है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था 37,500 और 600 के आसपास का। ठीक है, 540-600 रुपीज़। तो यहाँ पर एक बार मार्केट पॉज ले सकती है। सो आई होप आप लोगों को गाइस एक्सप्लेनेशन पसंद आई गई होगी। कॉल और पुट चेंज बिल्कुल सिमिलर है, एफआई का डाटा भी इस पे यहाँ पर रिकॉर्ड में आया नहीं है सेंसिबल के, सो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते। सो आई होप आप लोगों को गाइस वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आप लोगों की कल की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा ही अच्छी जाए। हम कल आप लोगों को इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे दो स्टॉक्स देने वाले हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप 15 दिन या 20 दिन के लिए भी उसे बाय करते हो तो 15-20% का रिटर्न वो दे सकती है। इसके अलावा टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को एवरी मार्केट डिटेल्ड लाइव एनालिसिस प्रोवाइड होती रहेगी कि कौन सा ट्रेड अब लेना है, कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, निफ्टी पे एक रिवर्सल आ रहा है या क्या आ रहा है। तो वहाँ पर हमें ज्वाइन जरूर करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।